अस्सलाम वालेकुम, मैं आमना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़े की बहुत ही आसान रेसिपी लेके आई हूँ, हमेशा की तरह झटपट बन जाएगी, बहुत इजी है। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये रेसिपी बहुत आसान है। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसको देख लें। तो आइए हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी है चिकन एग फ्राइड राइस। पहले एग फ्राई करेंगे, उसके लिए हम दो एग लेंगे, उसमें हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर डालेंगे, हाफ टी स्पून सॉल्ट डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें फूड कलर डालेंगे येलो। इसमें फूड कलर बहुत ही एसेंशियल है, अगर हम फूड कलर नहीं डालेंगे तो इसका जो है वो कलर बहुत ही लाइट आएगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसकी प्रेजेंटेशन हमें अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए फूड कलर डाला है। देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है। एक पैन में मैंने ऑयल लिया है, उसमें अब ये मिक्सचर डाल दिया है। मिक्सचर डालते ही हम इसको चम्मच से हलाएँगे और इसके हमने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में इसको बनाना है। तो हम इसको मुसलसल हलाते रहेंगे, ये देखें इस तरह से। इसका कलर देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है, तो इसीलिए हमने फूड कलर ऐड किया था। तो आप लोगों ने भी लाजमी करना है, इससे इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगेगी। ये देखें माशाल्लाह से ये तैयार हो चुका है और हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको हमने कच्चा नहीं रखना, अगर कच्चा रहेगा तो जब ये तैयार हो जाएगी फ्राइड राइस उसमें हम इसको ऐड करेंगे तो उसमें से इसकी स्मेल आएगी एग की। तो हमने इसको अच्छे से कुक करना है और इस तरह से इसको पीसेस में कर लेना है। जी फ्राइड एग अब हो चुका है तैयार, इसको हमने प्लेट में डाल लिया है, इसको साइड पर रखेंगे। अब मैं आपको बताऊँगी बाकी हमें कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इसके लिए चाहिए। हाफ के जी राइस लेने हैं, उनको पानी में हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल के आपने बॉईल कर लेना है। फ्राइड एग आपको तरीका है कैसे करना है आपने। और ये कैबेज है, आपने मीडियम साइज़ बाउल लेना है और बारीक काटना है इसको। ये कैप्सिकम है, बारीक काटना है इसको भी 3 मीडियम साइज़। और ये कैरेट है, मैंने 3 मीडियम साइज़ लिया, उनको बारीक काटा है। ये बोनलेस चिकन है 1/2 kg। वेनेगर 2 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, वोस्टर्शा सॉस 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 2 टेबल स्पून और सॉल्ट टू टेस्ट, जितना आपको ज़रूरत हो उतना ले लें। तो सबसे पहले हम चिकन फ्राई करेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, इसकी रेसिपी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाएगी। 1 कप ऑयल डालेंगे और उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे जी। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से भूनेंगे ताकि चिकन जो है वो बिल्कुल भी कच्चा ना रहे और अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, हम मुसलसल चम्मच हलाते रहेंगे और अब जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो इसमें हम ऐड करते जाएंगे। मैं जब तक ये चीज़ें ऐड कर रही हूँ आप उतनी देर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी बहुत आसान होती है, जितनी भी रेसिपी मैंने बनाई हैं आप लाजमी देखिएगा, सारी रेसिपी बहुत आसान है और झटपट बन जाती हैं, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और एग्जैक्ट आपको रेसिपी बताई गई है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको मुश्किल हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। और ये मैंने सारे जो चीज़ें हैं आपको दिखाई हैं ये इसमें हम डाल दी हैं और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। और मुझे उम्मीद है आपकी रेसिपी भी मेरी रेसिपी की तरह अच्छी ही बनेगी। अब इसमें कैरेट और कैप्सिकम डाल देंगे और उनको हल्का सा फ्राई करेंगे, हमने ज़्यादा नहीं करना, इसका कच्चा थोड़ा फ्लेवर आएगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इनको हल्का सा फ्राई करेंगे बिल्कुल जी इस तरह से। देखिए माशाल्लाह से इनका कलर कितना प्यारा लग रहा है और इसको हम मुसलसल हिलाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच भी आपने नहीं करनी कि ये जल जाएँ या बहुत ज़्यादा कुक हो जाएँ, तो हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इनको हल्का सा ही फ्राई करना है, ये बिल्कुल भी कच्ची ना लगे और बिल्कुल भी वो पक ना जाए। बस ना कैबेज ऐड कर देंगे और इनको तो कैप्सिकम और कैरेट से भी आपने हल्का फ्राई करना है, तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है। तो इनको हम हल्का सा इसको फ्राई करके और बाद में इसमें हम राइस ऐड कर देंगे जो कि बॉईल करके मैंने पहले ही रखे हुए थे। तो आपने भी इसको एज इट इज़ ऐसे ही फॉलो करना है, इसको हल्का सा फ्राई करना है जी इस तरह से। अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे जो कि मैंने पहले ही बॉईल करके रखे हुए थे। और ये देखिए माशाल्लाह से ये राइस हमने ऐड कर दिए हैं, इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ चम्मच नहीं चलाएंगे, ये चावल टूट ना जाएं। इनको मिक्स करके अब इसमें हम फ्राइड एग जो सबसे पहले हमने किया हुआ था वो हम इसमें इसके ऊपर फैलाएँगे और इसको अब इसमें हल्का हल्का जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो
ये देखें इस तरह से माशाल्लाह से माशाल्लाह से फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, तो आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको जल्दी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।